नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, यहाँ पे मैं एक ऐसे केमिकल, आप कह सकते हैं केमिकल स्टॉक की बात करने वाला हूँ, क्योंकि स्टॉक में आप कह सकते हैं कि बड़ी गिरावट की आशंका बताई जा रही है दोस्तों। रीजन आपके साथ चर्चा करूंगा, प्लस कई एनालिस्टों को ये मानना है दोस्तों इसमें कि जो भी पॉजिटिविटी थी ना स्टॉक में, या आप कह लीजिए जो भी स्टॉक को लेकर के तेजी आने के आसार थे, वो ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंटेड हो चुके हैं। जो भी गुड न्यूज़ है, जो भी कैपेक्स है और जो भी इनका प्रोडक्शन लिमिट इन्होंने बढ़ाया है, ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी स्टॉक में प्राइस इन हो चुकी हैं। क्या वो आप कह सकते हैं पॉजिटिव न्यूज़ थी, और क्यों मुझे लग रहा है कि स्टॉक में गिरावट हो सकती है, और टेक्निकली मैं जब आपसे चर्चा करूंगा ना, आपको जब इसका चार्ट दिखाऊंगा, आपको इसमें साफ साफ नजर आएगा कि एक बड़ी गिरावट का ये स्टॉक इंतजार कर रहा है दोस्तों, ठीक है। प्लस किस ये स्टॉक किस चीजों में काम करता है, क्या इनकी मैन्युफैक्चरिंग, ये भी चर्चा करूंगा। सिर्फ एक चीज है दोस्तों जो पॉजिटिव दिख रही है स्टॉक में, और यदि आने वाले समय में ये चीज जारी रहती है तो आप कह सकते हैं एक बाउंस और एक थोड़ी तेजी स्टॉक में मिल सकती है। लेकिन जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ना दोस्तों, मुझे रिस्क की तरफ ज्यादा लग रहा है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव ये होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाएं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, अब विदाउट वेस्टिंग सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, स्टॉक का नाम क्या है, एल्काइल एमाइंस केमिकल लिमिटेड, ठीक है दोस्तों, एल्काइल एमाइंस केमिकल लिमिटेड। दोस्तों अगर बात करूं इसकी, तो दोस्तों ये वेरियस एलिफेटिक एमाइंस और एमाइन डेरिवेटिव्स में ये एक दोस्तों काम करती है उसको बनाने का, ठीक है। आप कह सकते हैं जो एलिफेटिक एमाइंस होती हैं और जो एमाइन डेरिवेटिव्स होती हैं, उनको ये कंपनी बनाती है, और अन्य स्पेशलिटी केमिकल कंपनी से बनाती है। यूसेज इसके जो प्रोडक्ट है उस पर काफ़ी अच्छा दोस्तों, जो बेस्ड केमिकल है ना उस पर फार्मा में यूज़ किया जाता है दोस्तों। ये आप कह सकते हैं एग्रोकेमिकल जो है, एग्रोकेमिकल में इसकी यूज़ की जाती है, और रबड़ इंडस्ट्री और तमाम अलग अलग चीज़ों में यूज़ की जाती है दोस्तों, ठीक है। यानी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के डाइवर्सिफिकेशन को लेकर के, यूसेज को लेकर के कोई भी स्टॉक में प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ठीक है। और बात करूँ इस स्टॉक की, जो उसको रिसेंट टाइम में जो इसकी सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ रही है दोस्तों, वो है दोस्तों इसका कैपेक्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कैपेक्स इन्वेस्टमेंट और प्लस कंपनी का जो अपना कैपेसिटी को बढ़ाने का जरिया है वो दोस्तों, क्योंकि कंपनी ने आप कह लीजिए अपनी जो कैपेक्स इन्वेस्टमेंट की, जो अपनी क्षमता है वो इतनी अच्छे तरीके से बढ़ाई दोस्तों, कि जो वॉल्यूम ग्रोथ हुआ दोस्तों, किस चीज़ कारण कंपनी के जो वॉल्यूम से ग्रोथ देखने को मिला, वो था इसका एसीटोनाइट्राइल प्लांट जो है दोस्तों, इसका एसीटोनाइट्राइल प्लांट, उसकी जो कैपेसिटी है वो दोस्तों डबल हो गई, ठीक है। एसीटोनाइट्राइल जो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती थी, उसकी जो पूरी कैपेसिटी है वो डबल कर दी गई। इसके साथ साथ दोस्तों एलिफेटिक एमाइंस में 40% की वृद्धि इनके प्लांट के द्वारा। तो ये तमाम चीज़ जो पॉजिटिविटी है दोस्तों, ये ऑलरेडी ट्रिगर हो चुकी है दोस्तों, ठीक है। और अब निवेशकों को ये लग रहा है दोस्तों, या एनालिस्टों को ये लग रहा है कि जितनी भी पॉजिटिविटी अब वो हो चुकी है, अब स्टॉक ना थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रहा है, ठीक है। और यही कारण है कि रिसेंट टाइम्स में आपको शायद स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिलेगी, ठीक है। और देखिए, जो एल्काइल एमाइंस है ना, इसके सामने अगर मैं पॉजिटिविटी चीज़ करूं, तो देखिए सौरभ मुखर्जी जी का इंटरव्यू देखेंगे ना, तो उसमें एक इंटरव्यू में पढ़ा था, उसमें उन्होंने कहा था कि जो चाइना में जो स्लो डाउन है ना, और चाइना में जो निगेटिविटी दिख रही है, उसका सबसे एक बड़ा फ़ायदा आपको एल्काइल एमाइंस में होते दिखाई देगा, ठीक है। प्लस दोस्तों टेक्निकली अगर बात करूं, ये 3000 के ऊपर अभी भी सस्टेन कर रहा है, ठीक है। ये स्टॉक 3000 के ऊपर अभी भी सस्टेन कर रहा है, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन की गिरावट के बावजूद स्टॉक ने बहुत सेफली अपना दोस्तों, आप कह सकते हैं जो आप जो कह सकते हैं जो सपोर्ट है उसे बचाया है। और 3000 का सपोर्ट ही नहीं दोस्तों, इसने 3010 के भी सपोर्ट को आराम से अपने साथ बचा लिया है। लेकिन देखिए, जो टेक्निकल स्ट्रक्चर बात कह रहे हैं ना, वो कुछ अलग ही कह रहे हैं। उनके हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो स्टॉक में आपको एक गिरावट साफ साफ देखने को मिलेगी। कैसे, आप देखिए स्टॉक पिछले 5 दिनों में आप देखिए लगभग जहां था वहीं है, 1 महीने में लगभग जहां था वहीं है। आपको भले ही 60 रुपये गिरावट देखने को मिल रही होगी, लेकिन देखिए आप लगभग 2% गिरावट देखने को है। लेकिन प्रॉब्लम कहां थी, देखिए पिछले 1 साल का चार्ट आपको मैं दिखाता हूं, ठीक है। आप देखिए, अलग किस्म का चार्ट नहीं दोस्तों, ये गिरावट हुई, फिर ये ऊपर गया थोड़ा देर, फिर ये गिरावट दिखाया, फिर ऊपर गया, फिर ये हल्की सी गिरावट, एक बड़ी गिरावट हुई, फिर हल्का ऊपर गया, ये गिरावट हुई और ये तेजी।
अब ये दोस्तों शायद आने वाले समय ना ये फिर से देखिए कंसोलिडेट ऐसे ही कर रहा है, तो वापस से एक बड़ी गिरावट ऐसी दिखाए, क्योंकि आप देखें, आप अगर देखेंगे ना यहाँ पे, ये देखिए ये 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 और ये आपको और गिराएगा निचले स्तर में। आगे जब जाएंगे तो एक डाउन ट्रेंड लगातार इसमें जा रही है दोस्तों, और नीचे लगातार ये देखिए ये बॉटम बनाया पड़ा है। तो ये काफ़ी बड़ी ना नेगेटिविटी की साइन है दोस्तों, ठीक है। और जिस तरह से केमिकल स्टॉक में इतनी वॉलिटिलिटी रहती है, मुझे लगता है एक बार एल्कालमाइंस आपको एक ज़रूर बड़ी गिरावट दिखा सकता है दोस्तों। और देखिए मैं अगर आपके साथ चर्चा करूँ वन मिनट, वो बड़ी गिरावट कितनी होगी, तो देखिए नियर टर्म में ना मुझे लगता है एक तो ये सबसे पहली जो गिरावट हो सकती है वो है दोस्तों ये लेवल, ठीक है। आप देखें इसका लेवल ये देखिए ये लेवल यहाँ पे ये करेंटली चल रहा है, ये ठीक है दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसके अगली चीज़ों की, तो आप देखेंगे ये जो ब्रांड्स है दोस्तों, ये देखिए ये नेक्सस का सपोर्ट है, जो कि निकल के आता है कितना 2768 यानी 27, आप कह ले सकते हैं 2700 से लेकर के 2800 के बीच का, ये 100 रुपये का रेंज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों स्टॉक के लिए। लेकिन अगर ये टूटता है दोस्तों उसका सीधा 2500 जाने के, और मुझे लगता है दोस्तों एक बार 2700 के आसपास ये स्टॉक आपको आराम से टच करते हुए दिखाई देगा। लेकिन देखिए फंडामेंटली स्टॉक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं फिर कहूँगा 2500 ये स्टॉक अगर एक बार आपको दिखाता है तो लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए स्टॉक बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा दोस्तों, ठीक है। और इसकी पॉजिटिविटी जो मुझे लगती है वो एक ही चीज़ है दोस्तों, ये अपना 3000 का लेवल जोड़ रहा है। लेकिन अब कोई भी स्टॉक में ऐसा कोई ट्रिगर दिखता नहीं है, हाँ क्वार्टर टू में कुछ ऐसे नतीजे आ जाएं जो अपने आप में फिनोमिनल हो तो चीज़ें नहीं कह सकता दोस्तों मैं, और आप कह सकते हैं, वरना टेक्निकली तो स्टॉक मुझे काफ़ी वीक लग रहा है और आने वाले समय में गिरावट हो सकती है। एक चीज़ जो क्रूड ऑयल है उसमें जो वीकनेस थोड़ी देखने को मिल रही है वो स्टॉक के लिए थोड़ी सी फायदेमंद हो सकती है दोस्तों, लेकिन फिर मुझे लगता है एक बार आपको ये स्टॉक गिरावट ज़रूर दिखाएगा। तो यदि आपको मेरी ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, यहाँ तक जुड़े रहे अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है, जय हिंद दोस्तों।